कश्मीर में एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ है। सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। ब्रिगेड मुख्यालय में कुछ आतंकियों के घुसने की आशंका है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में धमाका हुआ है। धमाके में 26 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक सरिता सिंह पर 9 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। सरिता पर आरोप लगाने वाला शकील अहमद आपका ही कार्यकर्ता है। शकील के मुताबिक सरिता ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3 लोगों से 9 लाख रुपए हड़प लिए। शकील की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं सरिता ने शकील के आरोपों को झूठा बताया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज फिनलैंड दौरे से तय वक्त पर वापस लौटेंगे, जबकि दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के प्रकोप के मद्देनजर एलजी नजीब जंग ने उन्हें फिनलैंड दौरा छोटा करने के लिए कहा था, जिसके बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि एलजी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। जवाब में एलजी ने पत्र में लिखा है कि आम आदमी पार्टी डेंगू और चिकनगुनिया पर राजनीति कर रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने गोवा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी जुबान इसलिए छोटी की गई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार बोलने की वजह से उनकी जुबान काफी लंबी हो गई थी। पारिकर ने यह भी कहा है कि जब दिल्ली में सैकड़ों लोग डेंगू चिकनगुनिया से बीमार है, ऐसे में मंत्रियों का दिल्ली से बाहर रहना गलत है। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को पीडब्ल्यूडी छोड़कर सभी विभाग लौटा दिए गए हैं। पहले वो 9 विभागों के मंत्री थे, अब 13 विभागों के मंत्री होंगे। हालांकि अखिलेश ने शिवपाल को पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं लौटाया है। अखिलेश यादव को पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। टिकट बंटवारे का फैसला संसदीय बोर्ड ही लेता है। साथ ही अखिलेश पार्टी की यूथ विंग के भी प्रभारी बने रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर शनिवार को भोपाल में स्याही फेंकी गई। नड्डा पर स्याही फेंकने वाले एम्स भोपाल के छात्र थे। ये छात्र नड्डा से डायरेक्टर की नियुक्ति और एम्स में सुविधाओं की मांग पर मिलना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने पर छात्रों ने गुस्से में नड्डा पर स्याही फेंक दी। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई की 8 सदस्यों की टीम ने बिहार पुलिस से मामले से जुड़े सारे दस्तावेज लिए हैं। इस केस में सीबीआई शहाबुद्दीन से भी जल्द पूछताछ कर सकती है। राजदेव की पत्नी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर में शहाबुद्दीन का नाम दर्ज करने की मांग की थी। बीएसएफ ने कहा है कि कश्मीर घाटी में बीते 70 दिनों में 30 से ज्यादा आतंकियों के घुसपैठ की खबर है, जबकि पीओके में 150 से 200 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। बीएसएफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने में पूरी मदद दे रही है और कश्मीर में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तान छात्र संगठन ने जर्मनी के बर्लिन शहर में प्रदर्शन किया। वहीं बलोच नेता मेहरान मारी ने कहा है कि जब से पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, पाकिस्तान डरा हुआ है। दूसरे बलोच नेता बरहम दग बुख्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख और पूर्व प्रमुखों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस दायर कर सकती है। वेनेजुएला में 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को झटका लगा। सम्मेलन में पाकिस्तान के विरोध के बावजूद आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर फैसला लेने की सहमति बनी। सम्मेलन में सहमति बनी और आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को किसी भी रूप में धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। महिला रिश्तेदार से छेड़छाड़ के आरोपी आप विधायक आज दिल्ली पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर सकते हैं। अमानतुल्लाह ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें झूठे केस में फंसा रही है, जबकि छेड़छाड़ पीड़ित ने
केस वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में चिकनगुनिया से 155 से ज्यादा मौतों के बावजूद दिल्ली सरकार इसका प्रकोप मानने को तैयार नहीं है। चिकनगुनिया पर बनी दिल्ली सरकार की एक कमेटी ने दावा किया है कि राजधानी में सिर्फ चिकनगुनिया से एक भी मौत नहीं हुई है। इस कमेटी ने सिर्फ 13 मामलों को रिव्यू के लिए शामिल किया था। दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर फूंकने के आरोप के बाद केजरीवाल सरकार ने सफाई दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सरकार ने विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को नहीं तोड़ा। कांग्रेस और बीजेपी ने मांग उठाई है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का जितना पैसा अपने प्रचार में फूंका उसे आम आदमी पार्टी से वसूला जाना चाहिए। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के प्रकोप के बाद एमसीडी ने पूर्वी दिल्ली में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पूर्वी दिल्ली के कांति नगर इलाके में दुकानदारों को 7,000 कूड़ेदान दिए जाएंगे ताकि लोग सड़कों पर कचरा न फैलाएं। इलाके के लोगों का कहना है कि इस मुहिम से काफी फायदा होगा। बलात्कार के आरोपी आसाराम को आज दिल्ली के एम्स में मेडिकल चेकअप के लिए जोधपुर से लाया जाएगा। आसाराम नाबालिग छात्रा से बलात्कार के आरोप में करीब 3 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम का स्वास्थ्य परीक्षण दिल्ली के एम्स में कराने का आदेश दिया है। मुंबई के पास वसई में मुस्लिम परिवार को फ्लैट बेचने से इनकार करने के आरोप में एक सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक मुस्लिम परिवार ने आरोप लगाया था कि हैप्पी जीवन कॉरपोरेटिव सोसाइटी में उन्हें सिर्फ इसलिए फ्लैट नहीं खरीदने दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। मुंबई में बेस्ट की बसों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नवंबर के आखिरी तक मुंबई की बेस्ट बसों में सफर करने वाले यात्री अपने मोबाइल या फिर वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करा सकेंगे। यात्री मोबाइल से रेगुलर टिकट के अलावा हैप्पी आवर टिकट और डेली पास भी खरीद सकेंगे। ई टिकटिंग के जरिए पास को रिन्यू भी किया जा सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एनसीपी नेता छगन हजबुल को मुंबई के जेजे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक छगन को डेंगू के लक्षण है। छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ऑर्थर जेल में बंद था। घर में अवैध निर्माण के आरोपी कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कपिल के घर के पिछले हिस्से में मैंग्रोव नष्ट किए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस कपिल के खिलाफ वन संरक्षण कानून के तहत केस दर्ज कर सकती है। अभिनेता शाहिद कपूर के घर में डेंगू का लार्वा मिलने के बाद बीएमसी उनके खिलाफ अब कोर्ट में केस दायर करने की तैयारी कर रही है। बीएमसी का आरोप है कि शाहिद ने मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के लिए नियमों का पालन नहीं किया। शाहिद को घर में स्विमिंग पूल में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा मिला था। यूपी के कानपुर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पताल और नर्सिंग होम में मरीजों के लिए बेड नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूली बच्चों के जरिए एसिड मच्छर के लार्वा को खत्म करने की मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। यूपी के मेरठ में बीसीए और बीटेक के 2 छात्रों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हालांकि उनके परिवार वालों का आरोप है कि दोनों छात्रों ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि प्लानिंग के तहत उनकी हत्या हुई है। परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का अंदेशा जताया है। यूपी में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग के आरोप में 6 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीटेक में पढ़ने वाले एक छात्र के घर वालों ने ये केस दर्ज कराया है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मां बाप पर अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या का केस दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बेटी को दूर के एक रिश्तेदार के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गर्लफ्रेंड की फरमाइशों को पूरा करने के लिए 7 साल के बच्चे के अपहरण और 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बाद में बच्चे की हत्या भी कर दी गई। कंकरखेड़ा क्षेत्र की इस वारदात में आरोपियों सौरभ और विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली में शाहिद नाम के युवक पर अपनी पत्नी के कथित प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहिद ने अपने 2 भतीजों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके 2 आरोपी भतीजे फरार हैं। राजस्थान में जयपुर के शाहपुरा में एक बेटी पर पिता की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी कृष्णा ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक कल्ला राम अपनी बेटी कृष्णा के प्रेम संबंधों को लेकर ताने मारते थे, इसी से नाराज होकर कृष्णा ने हत्याकांड को अंजाम दिया। इलाहाबाद में संगम तट पर पूर्वजों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध में बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल हो रही हैं। अब तक श्राद्ध में महिलाओं के शामिल होने पर रोक लगी हुई थी। स्थानीय पंडों ने इसे सामाजिक बदलाव की नई दिशा बताकर स्वागत किया है। पंजाब विश्वविद्यालय में क्लास से गायब रहने वाले छात्रों की जानकारी उनके अभिभावकों को घर बैठे ही मिल जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस वेब पोर्टल पर डालने का फैसला किया है। पंजाब के मशहूर सिंगर गैरी संधू विवादों में घिर गए हैं। उन पर अपने गाने में वाल्मीकि समाज के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। गैरी संधू के खिलाफ होशियारपुर में केस दर्ज कराया गया है। पंजाब निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। आयोग के मुताबिक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार पंजाब चुनाव में वोटिंग मशीन पर चुनाव चिन्ह के साथ ही उम्मीदवारों की फोटो भी लगाई जाएगी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ में तैनात पुलिस के जवान सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। एसआई विपिन चंद पाठक के नेतृत्व में ये जवान बासु की ताल से लेकर केदारनाथ के आसपास बिखरे पॉलिथिन और गंदगी को साफ करने में जुटे हुए हैं। इन जवानों को जब भी वक्त मिलता है ये सफाई में जुट जाते हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मालतोली नवोदय विश्वविद्यालय की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि वहां बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा, पानी की टंकियों में गंदगी की वजह से उन्हें गंदा पानी पीना पड़ रहा है। 6वीं से लेकर 12वीं तक के इस स्कूल में कुल 82 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल का अपना भवन तक नहीं है। जम्मू कश्मीर के लेह में इन दिनों ऐतिहासिक नरोपा उत्सव की धूम है। लेह में 7 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। 12 साल में एक बार मनाए जाने वाले इस उत्सव को लेकर लेह में खासी रौनक देखी जा रही है। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए बौद्ध समुदाय के लोग दूर दूर से आते हैं। हरियाणा के सोनीपत में बिजली की कमी है, लेकिन टांडा गाँव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपने लिए खुद और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करता है। इतना ही नहीं, वो गांव की 70 स्ट्रीट लाइटों को भी बिजली की सप्लाई करता है। स्कूल की इस पहल से वहां पढ़ने वाले बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गांव-गांव में अब बाबा रामदेव का पतंजलि प्रोडक्ट मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सरकारी राशन दुकानों पर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट बेचने की बात कही है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार सरकारी राशन दुकानों को लाभ का सौदा बनाने के लिए साबुन, शैंपू समेत कई अन्य सामान बेचने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन दुकानों की स्थिति ठीक करने के लिए और भी कदम उठाए हैं। रोजगार के लिए उन्होंने सहकारिता विभाग को फूड विभाग के साथ मिलकर योजना बनाने की भी सलाह दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बीच MOU साइन किया गया है। राजस्थान के सादुल शहर के घड़साना में सिंचाई के अभाव में फसलें बर्बाद हो रही हैं। सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने SDM ऑफिस का घेराव किया, साथ ही SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले बड़ी संख्या में किसानों ने पूर्व विधायक पवन दुग्गल के नेतृत्व में एक सभा की ओर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में इस समय डेंगू और चिकनगुनिया ने आतंक मचाया हुआ है। वहीं जयपुर में जिला प्रशासन ने डेंगू से प्रभावित इलाकों में टीम भेजने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर दवाइयां उपलब्ध कराएगी। राजस्थान के कोटपूतली में मौसमी बीमारी का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि BDM अस्पताल में मरीजों की कतार लगी हुई है। राजस्थान के नागौर जिले में भी डेंगू और चिकनगुनिया पैर पसार चुके हैं। जिले के मकराना शहर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है और मकराना समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों डेंगू जैसी गंभीर बीमारी लोगों के लिए कहर बनती जा रही है। राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय पर डेंगू मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैला रहा है। वहीं जिला अस्पताल में भी रोगियों की भरमार है। आउटडोर में मरीजों की संख्या तिगुनी हो गई है। जिला अस्पताल में हालात बिगड़ने की सूचना पर कलेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मौसमी बीमारियों के लिए सरकार सजग है और SMS अस्पताल में और OPD बढ़ाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि 4 नई OPD खोली जाएगी। प्रदेश के सभी डिस्पेंसरी में समय बढ़ाया जा रहा है। अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी डिस्पेंसरी। अमेरिका के एक सर्वे के मुताबिक भारत का नक्सल संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है। एक सर्वे के मुताबिक माओवादी नक्सली दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बन गया है। सर्वे के मुताबिक इस्लामिक स्टेट यानी IS, तालिबान और बोको हरम के बाद माओवादी नक्सली संगठन ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा कत्लेआम मचा रहा है, जिसके अलावा इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां लोग सबसे ज्यादा हमलों के शिकार होते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के एक पंचायत सचिव को सरकारी राशि के गबन के आरोप में जेल में भेज दिया गया, जबकि सरपंच पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। मैनपुर विकासखंड के गौरगांव पंचायत के लिए साल 2007 में भवन निर्माण की राशि जारी की गई थी, जिसके सचिव सुखदेव और सरपंच परशुराम ने निकाला था और लेकिन निर्माण का काम नहीं कराया गया। 9 साल बाद SDM सैलाब साहू ने मामले का संज्ञान में लेते हुए दोनों को निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, बावजूद इसके दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा SDM ने दोनों को बराबर दोषी माना, लेकिन खुद को फंसता देख सरपंच ने 50,000 जमा कर दिया और बाकी रकम 15 दिन में जमा करने का आश्वासन देकर कार्रवाई से बच गया, मगर सचिव ने कोई राशि जमा नहीं की। ऐसे में SDM ने सचिव को जेल भिजवा दिया और साथ ही मैनपुर तहसीलदार को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। सरपंच का भी SDM ने बाकी पैसों के लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी है। SDM का कहना है कि अगर तय वक्त पर सरपंच ने पैसे नहीं दिए तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिला पंचायत ने जिला अस्पताल में कैंटीन के लिए शौचालय का निर्माण कराया, लेकिन ये कुछ ही महीनों में घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। इस घटिया निर्माण की पोल खुलते ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने निर्माण एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अवैध रूप से शराब की बिक्री का कारोबार करने के खिलाफ बोलने पर एक परिवार की पहले तो पिटाई की गई और इसकी शिकायत करने पर गांव के दबंगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। मामला पैंड्री गांव का है, जहां युवक दुखित ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बोल दिया। इस पर गांव के एक दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे परिवार की पिटाई कर दी। मारपीट की शिकायत करने पर आरोपियों ने उन्हें मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के बाद परिवार के एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बने पुल में हुए भ्रष्टाचार की कीमत स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर चुका रहे हैं। दरअसल पंडरिया इलाके में गोदवा गोबर्रा गांव में करीब 5 साल पहले शिवगंगा रपटा पुल बनाया गया था। लोगों का आरोप है कि पुल बनने के कुछ समय बाद ही उसका एक हिस्सा पानी में बह गया।